पाकिस्तान की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है और माशाल्लाह सबके घर में ही ऐसे सफाइयाँ हो रही होंगी। पाकिस्तान में जैसे विंटर का सीज़न है और 5:15 मगरिब है, दिन है जो ग़ुरूब हो जाता है, तो काफ़ी दिन छोटे हैं। सुबह उठकर ही जल्दी से काम हो और पता ही नहीं लगता कि दिन किस तरह से गुज़र जाते हैं। अगर कहीं जाना हो तो आते हुए शाम हो जाती है। तो ये ऐसे कुछ सफाई हो रही थी, होम व्लॉग्स पे भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो स्वीट व्लॉग्स पे भी अपलोड करती हूँ। रूटीन यहाँ आकर काफ़ी बिज़ी होती है फैमिलीज़ में, फिर मिलने वाले होते हैं, कहीं आपको जाना पड़ जाता है, तो इस तरह से फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं सब साथ अटैच रह सकूं। ये कार मैंने फैसलाबाद से ली है और मुझे भी मेरी फैमिली मेंबर्स यही कह रहे थे कि इतनी महंगी लेने की क्या ज़रूरत थी। सेम ऐसे ही आपको बाहर से कहीं से मिल जाती अलफतेह स्टोर में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महंगी हैं। तो मैंने पहले ये देखी सारा, मैंने इस पे बैठे चेक किए जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया भी, फिर उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकल कर साइड पर आकर बाकी टॉयज़ की शॉप्स चेक की। वहाँ पर प्राइस इतनी थी 32,000, 35, ज़्यादा से ज़्यादा वो कम करके भी 30 कर लेंगे, लेकिन ऐसे कंफर्टेबल ड्राइव नहीं हो रही थी। जो बच्चे के घुटने थे वो भी साथ में लग रहे थे और बैठना मुश्किल था। मतलब कि आप 1,000 की चीज़ भी लेते हैं ना, अगर वो यूज़ ही नहीं कर सकते तो वो भी पैसे वेस्ट थे। तो फिर ये था कि मैं वहाँ भी लेना चाह रही थी ऑस्ट्रेलिया में, फिर मैंने आकर यहाँ पाकिस्तान में ली कि यहाँ पर आए हैं तो चलो बच्चा यहाँ पर है तो एक तो दिल भी लगा रहेगा और दूसरा ये है कि उसका टाइम भी गुजर जाएगा, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो तो अपनी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, लेकिन बच्चे को तो उनके हिसाब से चीज़ें चाहिए। ये रूम ऊपर, यहाँ पर बच्चों को माशाल्लाह चारपाई पाकिस्तान में बहुत पसंद आई है और इस पर सोना वो पसंद करते हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि बेड है सब, तो ऐसे चारपाई वगैरह नहीं होती, मतलब कि आप बेडरूम में रख के सो सकें, तो ये ऐसे खुला बड़ा अच्छा इजी लग रहा है। ये टिफॉल आयरन ये मैं ऑस्ट्रेलिया से ही लेकर आई हूँ और यहाँ पर भी अलफतेह स्टोर में और इम्तियाज़ मार्ट में वहाँ पर भी मैंने देखी, तो जो कस्टमर सर्विस है उनकी तो वो बताते हैं इस तरह से, आप उनसे अच्छी तरह से सारे आयरन के रिव्यू क्वेश्चन वगैरह पूछ के तो फिर आप लें। लेकिन अगर इसकी वाकई ज़रूरत है, जैसे कि मैं वहाँ पर इसको यूज़ टू हूँ इसमें, तो मैं करती हूँ कपड़े वगैरह प्रेस, तो इसीलिए ही मैं ज़्यादा लेकर आई। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी आयरन के साथ यूज़ करती हैं वो उसी में कंफर्टेबल और इजी रहते हैं, क्योंकि हो सकते हैं आपके घर का सिस्टम जो है वो ऐसे हो कि आपके कपड़े कोई और प्रेस कर रहा हो तो आप इतना ज़्यादा इसमें ना कर रहे हो, तो चीज़ वही लें जिसकी आपको रियली ज़रूरत है। बेशक मेरी वीडियो में आप देखेंगे मैं कहीं आ रही हूँ या मैं कोई सूट ले रही हूँ या इधर है, वो एक रूटीन हो जाती है ना, रूटीन कह लें सब लोगों की जो भी बाहर से आते हैं, उन्होंने कभी किसी से मिलना होता है, कोई किसी के घर जाना होता है, कोई रिश्तेदार होते हैं उनके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद विंटर और सीज़न दोनों के ही आपको सूट जो हैं अपने रेडी करके देखने होते हैं। और ये देखें, ये मुझे ट्राउज़र के स्टाइल जो है बड़ा अच्छा लगा है इसका, ऐसे कॉटन में। ये भी जे डॉट से ही मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था कि यहाँ सुबह के टाइम अगर जैसे धूप में थोड़ा सा फील हो, मौसम चेंज गर्मी से जो आए हैं तो फिर अगर पहनना पड़े, लेकिन अब ये है कि विंटर बिल्कुल स्टार्ट होना शुरू हो गया है। जो मैं ऑस्ट्रेलिया में आयरन यूज़ करती थी उसका भी जो है लिंक मैं ऐड कर देती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सब कंट्री से जो मुझे लिखते हैं और पाकिस्तान को मिस करते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो मेरे साथ अटैच हैं और उनको भी वैसे ही फील होता है। स्पेशली मैं अगर किसी सिटी में जाऊँ तो वो उनको बिल्कुल ऐसे फील होता है कि जैसे जिस सिटी से वो बिलोंग करते हैं फिर वो ज़्यादा मिस करते हैं।
तो इसी तरह ही मेरी सिस्टर फैसलाबाद में है, तो वहाँ पर यह है कि आपको मिलना भी होता है, और फिर दूसरी अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए आकर, बच्चों की पानी एक्वाफिना का बेस्ट पानी है, तो नेस्ले का तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल लाइट नहीं लग रहा, पहले अच्छा होता था लेकिन अब नहीं पिया जा रहा। तो ये मैंने लिए हैं, नहीं ये कंटेनर जो कि ऐसे बिग साइज़ के, जो कपड़े हमारे डेली यूज़ में नहीं हैं उनको मैंने इसमें रख दिया है, और ये पिलो मैंने अपने और बच्चों के सबके मैंने अलहदा से लिए हैं, और ये तकरीबन कोई 800 900 700 इस तरह के ये प्राइस में है, बड़े सॉफ्ट वगैरह सबके मैंने अलहदा से ले लिए हैं। और दूसरा ये जो थे कॉटन के ब्रिजे के, ये भी एक साइड पर अब रखती हूँ। ऐसे ही होता है कि आपको पता है कि चलें कुछ एटलीस्ट कम से कम 4-5 समर के बन जाएं, विंटर के ये है कि काफ़ी साल बाद ही मैं बना रही हूँ, बल्कि मैं अगर पूरा साल रहूँ तो फिर मुझे होगा कि हाँ फुल सीज़न में मैंने एक दो बनाए हैं, कुछ बनाए हैं, क्योंकि टाइम बहुत लगता है आपको, फिर जाकर कहीं चीज़ पसंद आती है, प्रिंट इतने बड़े आ गए हैं कुछ जगह पे, एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़्यादा आ गई है कि आप पूरा सूट ओपन ही नहीं करवाते, बस कह देते हैं कि ये ठीक है ये नहीं चाहिए। ये मेरे अबू ने ली थी मेरे लिए ये ड्रेस, पठानी फ्रॉक या पठानी सूट, पेशावर से उन्होंने लिया था, और उस टाइम मेरे स्कूल में फंक्शन था तब मैंने पहना था ये पूरा सूट, और अभी भी ऐसे है जैसे बिल्कुल न्यू हो, इसका काम इतना अच्छा है। तो ये अम्मी ने रखा हुआ था, मुझे उन्होंने दिखाया, तो ये कंटेनर में है मेरे कुछ जंपर, कुछ लॉन्ग ड्रेस जो कि मैं लेकर आई थी, कुछ मेरे पहले वाले थे कि ऐसे यूज़ हो सके। पाकिस्तान की मिठाई बहुत मिस करते होंगे, ऐसी बिल्कुल भी वहाँ नहीं मिलती। ये बिस्मिल्ला स्वीट लाहौर से कुछ गेस्ट आए थे तो ये हमारे लिए लेकर आए। मुझे ख़ुद मिठाई बहुत पसंद है, और मैं कहती हूँ कि कम से कम हर 3-4 दिन बाद सोन हलवा, गजरेला मिठाई, बड़ी अच्छी सर्दियों की मीठी चीज़ें हैं और बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। मतलब वहाँ पर ज़्यादा ये है कि इन चीज़ों को घर में बनाया जाता है, लेकिन यहाँ कोई इतनी मेहनत नहीं करता कि मिठाइयाँ घर में बना सकें, आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अनार किस किस को पसंद है? ये इसमें रेड वाले अनार, रेड और एक वाइट, वाइट जो है उसके सीड्स ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसका जो जूस है मैं इसको मिक्स करवाती हूँ, जैसे हाफ रेड हो गया और उसमें हाफ वाइट हो गया, या थोड़ा सा वाइट में रेड मिक्स, क्योंकि रेड जो है थोड़ा सा ऐसे खट्टा होता है लेकिन बड़ा अच्छा हाजमे वाला है। तो मैं ये बच्चों को जॉब दे देती हूँ कि आप ये करें, इनको अनार को निकालें ये, ताकि एक तो वो भी इस तरह से बिज़ी रहते हैं और वो बड़े शौक़ से फ्रूट सब्जियाँ ये सारे काम करते हैं। फ्रूट का हम ज़्यादा इंटरेस्टेड से ऐसे शौक़ से देखते हैं, खाते हैं, टेस्ट ये वो, लेकिन वही बात होगी कि जो यहाँ रहते हैं उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है कि अच्छा ठीक है, ऑरेंज हैं आए हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये 2 दिन भी नहीं खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो ऑरेंज भी अगर खाए जाएं आपको ब्रेकफास्ट के बाद भी बेशक खा लें तो बड़ा अच्छा डाइजेस्ट करते हैं। शिनवारी टू नाइट रेस्टोरेंट, और इनका खाना हमें बहुत अच्छा लगा है। सिटिंग ये सारी फ्रंट पे है, यहाँ पर ये कह रहे थे कि लेडीज़ बैक साइड पे बैठेंगी, तो अगर कोई नहीं है तो फिर आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं था तो बच्चों के लिए इजी था यहाँ पे ऐसे कि वो खेल सकते और फिर इजी बैठ सकते। तो मेरा भाई कह रहा था कि आज मैं ना इधर से आपको खाना खिलाता हूँ, तो यही होता है कि जो बाहर से आते हैं वो अपने रिलेटिव से भी मिलते हैं, फैमिली से भी मिलते हैं, बहन भाइयों से भी मिलते हैं। वीडियो में ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एक पर्सन ख़र्चा कर रहा हो, जैसे कि अगर आप कोई वीडियो देखें आपको लगे कि पता नहीं ये तो रोज़ बाहर जा रहे हैं या रोज़ सूट ले रहे हैं, बल्कि मुझे गिफ्ट में भी मिली है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, तो वो चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, क्योंकि एक तो लिमिटेड टाइम के लिए होता है और लोग बहुत सालों बाद मिलते हैं तो वो फिर इसको शो ऑफ में नहीं आता। ये इनका खाना जो था ये
जंगली पुलाव था और उसके ऊपर ये मैंने मलाई बोटी ली थी। ये प्लेटर मुझे बहुत अच्छा लगा, टेस्ट इनका बेस्ट था। और ये था इनका बिल 1720। खाना सब जगह का टेस्टी नहीं होता, आपको अगर कहीं टेस्ट नहीं लगता आप दोबारा बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाते, और जहाँ का टेस्ट हो तो वो फिर आप कह दूसरों को भी बताते हैं कि हम यहाँ जाकर खाना खा सकें। अब ये ऐसे रात का टाइम है और ये मैं बता रही थी अपने फुट का कि मेरे फुट की साइड पर गैंगलिंग या वाटर जेली कह लें, गिल्टी कह लें, गिल्टी वाटर की है, एक तो होती है और तरह की, लेकिन इसका ऑपरेट होगा। एक साइड पर पहले भी थी, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन मैंने इसको ऐसे मेंशन ही नहीं किया कि मतलब छोटी मोटी चीज़ों से इंसान गुजरता रहता है, चीज़ें तो अब ये है कि लाइफ के साथ चलती हैं कभी कुछ, लेकिन यहाँ ये था कि अचानक से बस दो साइड दूसरी साइड पे थोड़ा सा बड़ी होना स्टार्ट हो गई है, तो ये टाइम के साथ और हो जाएंगी, थोड़ी सा पेन भी हो जाता है। तो अब मैं पाकिस्तान में हूँ तो सोच रही थी कि मैं अब यहीं से ही ऑपरेट करवा लूँ, लेकिन उसके लिए ये है कि स्टिचेस भी लगेंगे। तो ये एक साइड पर है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी रीज़न तो कोई ऐसे समझ में नहीं आई, ये दूर से अगर आपको पता लग सके, ये दो हैं, एक इस साइड पर और एक ये ऐसे। अल्लाह पाक सबको शिफा दे, बस यही होता है कि जो चीज़ें हमें पता हैं चल रही हैं वो ठीक हैं, आने वाले टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता, बस हर वक्त इंसान डरता रहे। आप अपने सब कंट्री से ज़रूर मुझे लिखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।